लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान में बीजेपी ने प्लान बनाया है। कांग्रेस के बड़े वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी है। असंतुष्ट नेताओं पर बीजेपी आलाकमान की पैनी नजर है। आलाकमान की बेरुखी और नेतृत्व क्षमता समस्या बन रही है। महेंद्रजीत मालवीय के साथ दूसरे नेताओं पर भी नजर है। मजबूत जनाधार, अच्छी छवि वाले नेता पलायन कर सकते हैं, पार्टी छोड़ सकते हैं। एक साल से मिशन 25 को पूरा करने में बीजेपी जुटी हुई है। तो बड़ी खबर लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। राजस्थान में बीजेपी ने एक प्लान तैयार किया है। कांग्रेस के बड़े वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश और तैयारी बीजेपी की तरफ से की जा रही है। असंतुष्ट नेताओं पर बीजेपी आलाकमान की पैनी नजर है। आलाकमान की बेरुखी और नेतृत्व क्षमता समस्या बन रही है। वहीं महेंद्रजीत मालवीय के साथ दूसरे नेताओं पर भी नजर है बीजेपी की, ऐसा माना जा रहा है। मजबूत जनाधार, अच्छी छवि वाले नेता कांग्रेस से पलायन कर सकते हैं आगे आने वाले दिनों में। एक साल से मिशन 25 को पूरा करने में बीजेपी जुटी हुई है और इसी प्लान के तहत काम कर रही है। लोकसभा चुनाव से पहले महेंद्रजीत सिंह मालवीय की भाजपा में जाने की अटकलों से कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। एक तरफ कांग्रेस जहां अपना आदिवासी वोट बैंक इस इलाके में खो सकती है, वहीं भाजपा ऑपरेशन को अपने राजस्थान की शुरुआत मान सकती है, क्योंकि राजस्थान में आगामी लोकसभा में भाजपा द्वारा मिशन 25 को पूरा करने के लिए चारों तरफ अपनी गोटियां बिठा रखी हैं। बात हाड़ौती संभाग की करें, शेखावटी संभाग की बात करें या पूर्वी राजस्थान की, तमाम तरह केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरीके से कांग्रेस की आंतरिक कलह का लाभ उठाना चाहता है और मिशन 25 को पूरा करने के लिए कांग्रेस के ऐसे नेता जिनके पास जनाधार है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट बैंक भाजपा के बराबर रहा, इसलिए भाजपा इस वोट बैंक के अंतर को पाट करके मिशन 25 को पूरा करने की भरपूर कोशिश में जुटी है। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर।